शाहरुख खान की फिल्म फैन तो आपको याद ही होगी। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक शख्स शाहरुख से मिलने के लिए पागल हो जाता है और क्राइम कर बैठता है। हाल ही में शाहरुख के साथ ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में भी हुआ, जिससे शाहरुख का पूरा परिवार घबरा गया। जाने क्या था पूरा मामला। दरअसल नासिक में रहने वाली तीन नाबालिग बहनें अपने घर से भाग आईं और सीधा शाहरुख के घर पहुंच गईं। इन तीनों की उम्र 12 से 15 साल के बीच थी। इनके माता पिता ने बच्चियों के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पिता ने पुलिस को बताया कि तीनों बॉलीवुड से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। नासिक पुलिस ने मुंबई के ठाणे पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। तीनों को मुंबई के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर ढूंढा गया। इसके बाद जो सच पुलिस के सामने आया उससे वो हैरान रह गए। पुलिस को वो तीन लड़कियां शाहरुख के घर मन्नत के बाहर मिली। उनके साथ तीन और लड़कियां भी थीं जो शाहरुख से मिलने पहुंची थीं। सभी लड़कियां शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई पहुंची थीं। पुलिस ने सभी लड़कियों की पहले काउंसिल करवाई और फिर उनके पेरेंट्स को सौंपा। ये है शाहरुख खान के लिए दीवानगी का असर। बचे बूढ़े हर कोई उनके फैन है। शाहरुख के फैंस उनसे मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आनंदील राय ने उन्हें अपनी फिल्म में साइन किया है। फिल्म के नाम का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास डेट नहीं थी।